नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां मित्रवर्याणां। तो मित्रों, हम आज मुद्रा राक्षसम की जितनी भी बची हुई सूक्तियां हैं उनका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने मुद्रा राक्षसम नाम नाटकम के 3 अंकों की सूक्तियों को अच्छी प्रकार से विशिष्ट अध्ययन करा के वीडियो स्थापित किए हैं, आप सभी देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम चौथे, पांचवे, छठे और सातवें अंक में जो भी प्रमुख सूक्तियां हैं उनका भलीभांति अध्ययन करेंगे, उनको पहचानेंगे, उनके वक्ताओं को और उनके प्रसंग को जानेंगे। तो मित्रों, जो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अंक है उनका क्रमशः सर्वप्रथम आप नाम जान लीजिए। जो चौथा अंक है उसका नाम है राक्षस उद्योग, पांचवा जो है उसका है नाम राक्षस निकाल, छठा है राक्षस निर्वेद और सातवा है राक्षस निग्रह, अर्थात राक्षस को पकड़ लिया जाता है। तो जो राक्षस उद्योग नाम का चौथा अंक है उसकी यह सूक्ति है, चौथे अंक की एक ही सूक्ति है प्रमुख, तो उसको हम जानते हैं। तो मित्रों, इसको राक्षस कहता है। राक्षस जब जानता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का आपसी झगड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा प्रसन्नता होती है। फिर उसके बाद वह मलय केतु के पास जाना चाहता है और वह जाने के लिए सोचता है, तो उससे पूर्व अपने अनुचर से कुछ प्रश्न पूछता है, लेकिन वह उसकी बात का अनसुना करके वहां से चला जाता है। तो फिर उसके बाद वो उससे पूछता है कि अब समय क्या हो रहा है, तो वह कहता है कि अभी सायंकालीन हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो वह फिर एक कल्पना करता है कि यह जो मेरा अनुचर है मेरी बातों को छोड़कर के चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा विभव अब नष्ट हो रहा है, अर्थात मेरा महत्व कम हो रहा है, इसलिए मेरी बातों को नहीं मानता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य जब सूर्योदय होता है, सूर्य मध्य में भी रहता है, तो जितने भी वृक्ष होते हैं उनकी छाया सूर्य की ओर हाथ फैलाए खड़ी रहती है, सूर्य की ओर वो छाया देते हैं। फिर जैसे ही सूर्य का विभव नष्ट हो जाता है, अर्थात सूर्य का तेज कम होने लग जाता है, वो चला जाता है वहां से, तो वृक्ष भी अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। तो वह इसी प्रसंग को इस पद्य के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से कहता है कि प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलित विभवं स्वामिनं सेवमानाः। कह रहा है कि स्वामिनं प्रचलित विभवं, स्वामिनं माने कि स्वामी के, जो राजा के, प्रचलित विभवं, प्रचलित नष्ट विभवं, जब विभवं ऐश्वर्यं धन संपत्ति इत्यादि, जब स्वामी का विभव इत्यादि प्रचलित हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है, तो प्रायः अधिकतर लोग भृत्याः सेवमानः, जो भृत्य है, जो नौकर हैं, वो कैसे हैं, सेवा करते हुए सेवमानः भृत्याः प्रायः स्वामिनं त्यजन्ति, वो स्वामी को छोड़ देते हैं। कब? जब प्रचलित विभव वाला हो जाता है राजा, जब राजा का विभव नष्ट हो जाता है, वो उसका अधिकार उससे छिन जाता है, तो ऐसे भृत्याः सेवमानः, वो जो हमेशा उसकी सेवा कर रहे होते हैं, ऐसे भृत्य वो स्वामिनम, उस स्वामी को, राजा को त्यजन्ति, छोड़ देते हैं अधिकतर प्रायः, अधिकतर यह लोक में देखा जाता है, ऐसा राक्षस कहता है। तो अगली जो सूक्ति है वह है मुंडित मुंडो नक्षत्राणि पृच्छति। ये छपड़क नाम का जो चाणक्य का गुप्तचर है वो बुद्ध अर्थात बौद्ध भिक्षु के भेष में छठे अंक में आता है। तो उसके पास सिद्धार्थक आता है, सिद्धार्थक कहीं जाने, पहले तो कहीं विदेश जाने की तैयारी कर लेता है, जाने के लिए रास्ते में भी आ जाता है। फिर वो उस बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि नक्षत्र क्या है, समय क्या है। फिर उसी में छपड़क उसको उत्तर देता है, कहता है कि पहले तो घर से निकल गए हो, पहले तो यात्रा की तुमने सोच ली है और अब पूछ रहे हो कि मुझे जाना चाहिए, शुभ मुहूर्त है या नहीं है। तो वो कह रहे हैं तुम्हारा पूछना ऐसा ही है जैसा मुंडित मुंडा, जब मूड मुड़ाया जा सकता है, अर्थात जब बालों को सिर में से काट लिया जाता है उसके बाद नक्षत्रों को पूछते हैं जैसे लोग, वैसे ही तुम भी घर से निकलने के बाद मेरे से शुभ या अशुभ मुहूर्त को पूछ रहे हो, ऐसे ही तुम्हारी स्थिति भी है। छपड़क ऐसा सिद्धार्थक को कहता है, दोनों चाणक्य के ही गुप्तचर है, इतना ध्यान रखें।
जो तीसरी सूक्ति है मित्रों वो है भागुरायण की, जो वैसे तो राक्षस का मित्र है किंतु राक्षस का कपटी मित्र है, अच्छा विश्वास से युक्त मित्र वो चाणक्य का ही है। वो कहता है कि विचारात् क्रांतः किमिति परतंत्रो विमृशति, यह भी छठे अंक की सूक्ति है। यह लाइन मलय केतु के प्रति वह कहता है, क्यों कहता है, जब वो सोचता है कि मलय केतु अब परतंत्र हो चुका है, वो आज तक राक्षस के प्रति ही समर्पित हो चुका है। क्यों? क्योंकि राक्षस ने उसको सोचा था कि मैं तुझको राजा बनाऊंगा, उसको धन संपत्ति मिलेगी। इस अभिमान से, इस लालसा से, इस लालच से वह परतंत्र हो चुका है। तो उस प्रकार का जो परतंत्र व्यक्ति है उसको आज हम ठगने जा रहे हैं, अर्थात उसको हम राक्षस के प्रति वैर भाव पैदा करने जा रहे हैं। राक्षस का ऐसा कहेंगे कि तुम्हारे पिता जो पर्वतेश्वर थे उनको राक्षस ने ही मरवा रखा है, ऐसा यदि हम आज मलय केतु को कहते हैं तो मलय केतु परतंत्र होकर उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि वह परतंत्र हो गया है। तो उसी तरह विचारा अतिक्रांत किमिति परतंत्रो विमृशति, तो कहता है कि विचार अतिक्रांत, जिसके विचार अतिक्रांत हो चुके हैं, विचार यानी कि विवेक, अपने आंतरिक रूप से कुछ सोचने विचारने चिंतन करने की शक्ति जिसकी नष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लालच के कारण राक्षस ने उसको लालच दिया, इसलिए वो जैसा राक्षस कहता गया वैसा करता गया, अपना विचार उसने नहीं लगाया। तो विचारातिक्रांत परतंत्र, जो परतंत्र हो चुका है, दूसरे के अधीन हो चुका है, किम इति विमृशति, किम माने क्या, इति माने इस प्रकार से, विमृशति माने क्या विचार करेगा। जो परतंत्र व्यक्ति हो चुका है, जिसका विवेक नष्ट हो जाता है, पराधीन हो जाता है, दूसरे की बुद्धि के अनुसार जो चलता है वह कुछ नहीं सोच सकता, उसकी विचार शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसा भागुरायण मलय केतु के प्रति कहते हैं। फिर राक्षस की उक्ति है, वो कहते हैं कि अधिकार पदम नाम निर्दोषस्यापि महत् आशंका स्थानम, ठीक है, इसमें राक्षस को, जब राक्षस महामंत्री है मलय केतु का, तो वह जब उसको मलय केतु के पास जाना होता है तो उसको अत्यधिक काम पड़ जाते हैं, एक डर भी होता है। तो इसी क्रम में वो जो अधिकारी लोग होते हैं, राजसेवक इत्यादि होते हैं, कि उनका जो स्थान होता है उसके बारे में बताता है। कहता है कि अधिकार पदम नाम, अधिकारी का जो पद होता है, अधिकारी की जो पोस्ट होती है वो कैसी होती है, निर्दोषस्यापि, निर्दोष व्यक्ति की भी, वो अधिकारी तो है लेकिन निर्दोष व्यक्ति है, निर्दोष तो है अर्थात अधिकारी होने के कारण उसका स्थान कैसा होता है, महद आशंका स्थानम, उसको आशंका होती है कि कहीं मुझसे ये गलती ना हो जाए, फिर मेरे से स्वामी ऐसा कहेंगे, फिर तो उसका जो अधिकार पद होता है, अधिकारी व्यक्ति का होता है, बहुत जिम्मेदारी वाला, बहुत आशंका का स्थान होता है, ऐसा राक्षस कहता है। फिर उसी क्रम में इसी प्रसंग से संबंधित ये सूक्ति भी है, गति ही स्वच्छायाम पततम अनुकूलम कलयति, कहते हैं कि स्वच्छायाम गति ही पतनम अनुकूलम कलयति, जो कहते हैं कि अधिकारी लोग होते हैं, उन्नत लोग होते हैं, कैसे अधिकारी, उन्नत अधिकारी, क्योंकि देखिए जो राजा होता है उस राजा के कई लोग होते हैं, सबसे बड़ा राजा होता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, फिर उससे नीचे होता है, फिर उससे नीचे सैनिक इत्यादि होते हैं। तो जो कहने का मतलब क्या, सोत्सराणाम, जो राजा का उत्तम व्यक्ति होता है अर्थात प्रधानमंत्री होता है उनका, ऐसे लोगों का, उन्नत जनानाम, सोत्सरायाणाम मतलब उन्नत जनानाम अर्थात जो उच्च पद में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो गति होती है, स्थिति होती है, पतनम अनुकूलम कलयति, अपने पतन के ही अनुकूल होती है, वो हमेशा क्या सोचते रहते हैं कि मेरा पतन ना हो जाए, मैं अपने पद से कहीं निरस्त ना कर दिया जाऊं, मेरे से कहीं कोई इस्तीफा ना मांग ले, अर्थात मेरी नौकरी कहीं नष्ट ना हो जाए, ऐसी शंका, ऐसा डर उनके मन में हमेशा बना रहता है, किसके, जो ऊंचे ऊंचे अधिकारी होते हैं, ऐसा राक्षस कहता है। फिर राक्षस सातवें अंग में कहता है कि नहीं, ये छठे में ही है, कहता है अयम अपरो गंडस्योपरि विस्फोटः, राक्षस
ये क्यों कहता है, ये इसी प्रकार की सूक्ति महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में कही है। तो ये क्यों कहता है, जब उसके गुप्तचर उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास से एक तो मुद्रा पाई गई, और दूसरा कहता है कि अब चाणक्य को मलयकेत को यह पता चल गया है कि तुमने ही उनके पिता को मार दिया है, तो एक से एक उसके ऊपर दोष लगाए जाते हैं राक्षस के ऊपर। तो मलयकेत जब सामने उसको कहता है कि तुमने मेरे पिता को मारा है, तो पहले से तो उसके पास दोष लगे जा रहे हैं, तुमने मुद्रा छुपाई है, तुमने इतना कुछ उल्टे सीधे काम करे हैं, तो एक दोष और आ गया कि मलयकेत को पिता को भी तुमने ही मारा है। तो ऐसा सुनते हुए राक्षस ऐसा कहता है कि गंडस्योपरि अयम अपरह विस्फोट, कहता है गंड कहते हैं जो फोड़ा होता है हमारे शरीर में, कहीं कष्ट हो जाता है, फोड़ा इत्यादि हो जाता है, तो उसके ऊपर अपरह विस्फोट, फोड़े के ऊपर भी एक और फोड़ा हो जाना ही उसकी स्थिति है। कहते हैं जिस प्रकार एक फोड़े के ऊपर दूसरा फोड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से तुम भी बोल रहे हो। कहता है अपरह विस्फोट, दूसरा विस्फोट हो गया है एक गंडस्योपरि, ऐसा राक्षस बोलते हैं। अब नीचे वाली है, अब ये निर्वेद की आ रही है कि वो उसके ऊपर राक्षस के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं और वो भाग्य को दोष देता जा रहा है। कहता है कि दैवी नोपहतस्य बुद्धिरथवा सर्वाभिपर्यस्यति, कहता है कि जब दैव के द्वारा बुद्धि मारी जाती है, जब हमारी बुद्धि अगर हमारा साथ भाग्य नहीं देता है, दैवेन उपहतस्य बुद्धि, दैवेन भाग्येन, जब भाग्य के द्वारा बुद्धि मारी जाती है तो सर्वा विपर्यस्यति, सब कुछ ही क्या हो जाता है, हमारे विपरीत होने लग जाता है, अर्थात दुख के दुख ऊपर ही आने लग जाते हैं, कब, जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसा राक्षस अपने कष्टों को देखते हुए, अपनी मुसीबतों को देखते हुए, अपने कष्टों को, दुखों को देखते हुए ऐसा वो कहता है राक्षस, ध्यान रखें। फिर अगली सूक्ति है अलक्षत निपाताहा पुरुषाणाम, अलक्षत निपाताहा पुरुषाणाम सम विषम दशा परिणतयो भवन्ति। अब इसमें क्या कहता है कि अलक्षत निपाता, जिनका निपात लक्षित नहीं है, ऐसे पुरुषों की, मतलब जिन्होंने अच्छे प्रकार से सोच विचार करके कार्यों को नहीं किया है, ऐसे पुरुषाणाम, इस प्रकार के व्यक्तियों की, ऐसे पुरुषों की जो सम और विषम दशा होती है, अर्थात उचित और अनुचित दशा जो होती है वो कैसी हो जाती है, परिणत हो जाती है, अर्थात वो कभी उसको दुख देती है, कभी सुख देती है, इस प्रकार की दशाएं उसकी परिणत हो जाती हैं सम और विषम स्थिति में, किसके कारण, अलक्षित निपाताः पुरुषाणाम, जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं है, जिनका लक्ष्य उनके पास नहीं है, इनके ही पास सम और विषम स्थितियां एक साथ आने ही लग जाती हैं, ऐसा राक्षस कह रहे हैं। फिर अंतिम सूक्ति है मित्रों, ये सातवें अंक की है, कार्याणां गतयो विधेरपि नयान त्यज्यापरत्वं चिरा, इसमें भी विधि को ही बता रहा है, अर्थात भाग्य को ही दोष दे रहा है। क्या कहता है कि राक्षस कहता है कि कार्याणां गतयः, कार्याणां कर्मणां, जो हम कर्म करते हैं संसार में, जो भी हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, उस प्रकार के कार्यों की गतियां, अर्थात उन कार्यों का फल, उन कार्यों का जो फल होता है वो विधेय, विधेय मतलब भाग्य के द्वारा भी, भाग्य से भी आज्ञा करत्वं चिरात नयान्ति, वह भाग्य की भी आज्ञा को नहीं मानते। यदि हमने कुछ उल्टा कर्म किया है तो उसका फल हमें उल्टा मिलेगा ही, उसको यदि ब्रह्मा भी बदलने के लिए आ जाएं तो उनकी भी आज्ञा वो नहीं मानता। चिरात, चिराग यानी कि कार्याणाम चिराग गतय, मतलब लंबे समय तक, लंबे समय से किए हुए कार्यों की गति, चिराग कहते हैं अत्यधिक लंबे समय से, तो चिराग कार्याणाम गतय विधेय अपि, अर्थात ब्रह्मण अपि आज्ञा करत्वं नयान्ति, वो ब्रह्मा की आज्ञा फिर नहीं मानती है, जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही हमें फल मिलता है, ऐसा राक्षस लास्ट में कहता है। तो मित्रों इस प्रकार हमने मुद्रा राक्षस की समस्त सूक्तियों को जाना,
आप सभी इन सभी को अच्छी प्रकार से जानें, परीक्षा के लिए इन सभी को तैयार कर लें। अब हम अगले नाटक की या अगले किसी महाकाव्य की सूक्तियों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।